खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। जम्मू के बस स्टैंड में गुरुवार को हुए ग्रेनेड धमाके में मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। यहां बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस पर ग्रेनेड से हमला किया गया था जिसमें कई लोग घायल हुए थे। गुरुवार को इस हमले में एक युवक की मौत हो गई थी जबकि अन्य व्यक्ति ने शुक्रवार सुबह अपनी जान गंवाई। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने ली थी। गौरतलब है कि ग्रेनेड हमला होने के कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके दोषी को पकड़ लिया था। पुलिस ने बस में ग्रेनेड हमला करने वाले यासिर भट्ट को गिरफ्तार किया था। यासिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार यासिर ने हिजबुल कमांडर के कहने पर जम्मू बस स्टैंड पर बस में ग्रेनेड फेंका था। आपको बता दें कि अभी तक आतंकी संगठन कश्मीर तक ही हमला कर रहे थे लेकिन इस बार आतंकियों ने जम्मू को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं सेना और पुलिस से आगे बढ़कर आतंकियों के निशाने पर आम इंसान भी आ रहे हैं। ऐसे में आतंकियों के इस गैर इरादे के पीछे बड़ी साजिश की बू आ रही है। गौरतलब है कि गुरुवार सुबह जम्मू में बस स्टैंड पर खड़ी एक बस पर ग्रेनेड फेंका गया था जिसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में करीब 32 लोग घायल हुए थे जिसमें से एक ने गुरुवार को ही दम तोड़ दिया था। धमाके की चपेट में आने से उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले मोहम्मद शारिक की मौत हो गई थी। ये धमाका सुबह करीब 11:30 बजे हुआ था। घायलों को जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP M.K. सिन्हा ने पुष्टि की थी कि ये हमला ग्रेनेड से किया गया था। धमाके के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इसमें मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 20-20 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, इस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं।